अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप डैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड. इट्स योर इंग्लिश लेक्चर. आई एम योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ रीडिंग फॉर कॉम्प्रीहेंशन. देर इज अ टॉपिक यू हैव टू चेक इन योर बुक्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यू विल स्टार्ट योर दिस वर्क फ्रॉम द नेक्स्ट पेज. Okay, from the new page, from the next page, you will give, first you will give the first you will mark date and day, draw margin line on both sides, and then you will give the heading of reading for comprehension. Then you will skip one line as I have. Then you will write question part C, answer the following questions. Now there is question number one is, what made the Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam famous even before his Nubuwwat? कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस चीज़ ने फेमस मशहूर बनाया अपनी नबूवत से पहले. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग, यानी कि उनकी जो फेयर और ऑनेस्ट मुनसिफ और ईमानदार जो डीलिंग थी विद पीपल, लोगों के साथ, मेड हिम फेमस. उन्होंने उसको इस बात से उनको फेमस बनाया उनकी नबूवत से पहले. Now you will mark ending line, then you will write question number 2. Why did Hazrat Khadija radhiyallahu anha decide to marry Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hazrat Khadija radhiyallahu anha decided to marry Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam because of his fair and honest dealing with her in business. क्यों हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनसे शादी करने के लिए ये फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ कारोबार में बहुत मुनसिफ और आदिल थे. उन बहुत मुनसिफ की हदायत की बिज़नेस डीलिंग में, कारोबार तजारती कारोबार में, तजारती डीलिंग में. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंस्ट्रक्टेड हिज कंपेनियंस टू बी फेयर बिकॉज अल्लाह शोज मर्सी टू द मैन हु इज काइंड एंड फेयर इन हिज डीलिंग. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को मुनसिफ रहने की हदायत इसलिए की क्योंकि अल्लाह ताला उनको उस आदमी उस शख्स को पर रहम करता है हु इज काइंड, जो रहम दिल होता है, एंड फेयर इन हिज डीलिंग, और मुनसिफ होता है अपनी डीलिंग में. What is the impact of avoiding doubtful things in business dealing? कि क्या असर होता है जब हम business dealing में कोई जो मशकूक चीज़ों से बचते हैं. He who guards against the doubtful things keeps his religion and his honor blameless. जो अपने आप को मशकूक चीज़ों से बचा लेता है वो अपने मजहब और अपनी इज्जत को बचा लेता है. Question number 5. How can we be honest and fair in our dealing? कि हम अपनी डीलिंग में कैसे ऑनेस्ट, ईमानदार और मुनसिफ हो सकते हैं. We can be honest and fair in our dealings if we follow the noble example of fair and honest dealings in business of our Rasool sallallahu alaihi wasallam. हम ऑनेस्ट, हम ईमानदार और मुनसिफ अपनी डीलिंग्स में इस तरह से हो सकते हैं जब हम फॉलो करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल को, जिसमें उन्होंने हमेशा मुनसिफ और ईमानदार तरीके से अपने कारोबार को चलाया, डील किया. इज दैट क्लियर टू यू ऑल? नाउ यू हैव टू डू दीज क्वेश्चन आंसर्स इन योर नीट रजिस्टर्स, एंड लाइक आई हैव डन, यू हैव टू मार्क मार्जिन लाइन ऑन बोथ साइड्स, एंड आफ्टर एंडिंग द क्वेश्चन यू हैव टू अंडरलाइन द क्वेश्चन, यू हैव टू मार्क द एंडिंग लाइन एज वेल. Is that clear to you all? Do your work neat and clean in your registers. Thank you. Allah Hafiz.